हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो इस ब्लॉग में मैं आपको एक तो MID के फीचर्स बताने वाला हूँ और दूसरा इसमें मूड लैम्प का फीचर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कैसे काम करता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मूड लैम्प के फीचर से कि इसका जो मूड लैम्प का फीचर है वो कैसे काम करता है। मूड लैम्प का फीचर बेसिकली क्या है कि इसकी जो विंडोज़ हैं उसकी साइड में लाइट्स जलती हैं, जैसे भी कोई म्यूज़िक चलेगा तो ऑटोमेटिकली वो जो लाइट्स हैं वो जलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मूड लाइट का फीचर कैसे चलता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ऑल मेन्यूज़ में जाना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा साउंड मूड लैम्प, आपने यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाकर ये चेकबॉक्स का बटन आएगा साउंड मूड लैम्प, ये चेकबॉक्स को आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस पर आपको अलग अलग थीम्स मिलेंगी जिसके हिसाब से ये चलेगा। और इसमें जैसे आप म्यूज़िक पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर दोगे तो ये म्यूज़िक के साथ जो लाइट्स हैं ये ब्लिंक करेंगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये म्यूज़िक के साथ इस टाइम जो लाइट्स हैं ये ब्लिंक कर रही हैं। तो अभी जो मैंने इसकी सेटिंग की है ये म्यूज़िक के साथ है कि जैसे जैसे म्यूज़िक चलेगा वैसे जैसे ये ब्लिंक होगी। तो ये आप थीम्स के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसके हिसाब से ये सेट हो जाएगा। जैसे आप चाहते हैं कि सिर्फ ग्लो ही करे तो आप इसको सिर्फ ग्लो मोड पे लगा सकते हैं। मैं थोड़ी वॉल्यूम कम कर देता हूँ, तो आप यहाँ से म्यूज़िक कम कर दो। तो अब आप जैसे देखोगे तो ये एक ही लाइट यहाँ पर ग्लो कर रही है। तो अब यहाँ पर है कि ये लाइट चेंज नहीं होगी। वैसे मोस्टली जो मेरा फेवरेट है मैं इसको पार्टी म्यूज़िक में रखता हूँ और ये म्यूज़िक के साथ मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो ये सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा लगता है मुझे। आप यहाँ पर भी देखेंगे, ये देखिए। तो होप गाइस आपको ये मूड लाइट का जो फीचर है ये पता चल गया होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें जो MID के फीचर्स आते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो ऊपर लिखा आ रहा है 262 किलोमीटर, इसमें क्या है ये मेरे को बताएगी कि ये गाड़ी कितना चल सकती है, कितना फ्यूल है इसमें। तो इस फ्यूल से ये गाड़ी अभी चल सकती है 262 किलोमीटर्स, और अभी तक मैं इसे चला चुका हूँ 1183 किलोमीटर। 12 की एवरेज ऑन एवरेज इसने मुझे अभी तक दी है, 48 घंटे ये चली है। नीचे आपको टेम्परेचर दिखाती है गाड़ी और उसके साथ आपको ये दिखा रही है 11094 किलोमीटर। तो ये 11094 मतलब जो अभी तक पूरी चली है वही है एक तरीके का ये। और इसमें एन जो लिखा आ रहा है ये इसका गियर का आ रहा है न्यूट्रल। तो जैसे मैं गियर अप डाउन करूँगा जो भी पहला दूसरा तीसरा गियर चल रहा होगा उसके हिसाब से ये साथ में यहाँ पर गियर बताती रहती है कि कौन से गियर में आपकी गाड़ी चल रही है। इसके बाद मैं आपको इसका MID का दूसरा फीचर दिखाऊंगा, ये है आपका टायर प्रेशर का। इसको हम कहते हैं हमारा टायर मोनिटरिंग प्रेशर का फीचर आता है किया गाड़ी में। इसमें यह है कि ये चारों टायरों में कितनी कितनी हवा है इस टाइम। अगले अगले दोनों टायरों में 35-35 हवा है, पिछले टायरों में 30 और 33 हवा है। तो इसमें यह है कि जैसे भी 30 से नीचे आपकी किसी भी टायर की हवा जाएगी तो ये साथ के साथ आपको फिर नोटिफिकेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो और चलना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन ही देगा आपको कि आपके एक टायर के अंदर हवा कम है। और इवन अगर टायर में कोई कील वगैरह भी लग जाती है तो तब भी ये नोटिफिकेशन आनी स्टार्ट हो जाती है कि आपके टायर में कोई ना कोई दिक्कत है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जिससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे टायर प्रॉपर हैं या नहीं। क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं, गाड़ी के टायरों में हवा कम भी होती है, हम उसको चलाए जाते हैं और उससे क्या होता है गाड़ी की एवरेज नीचे आ जाती है। और साथ में अगर कील भी लगी है तो फिर तो हमें पता ही नहीं लगता, फिर भी हम चलाते रहते हैं गाड़ी को, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जो कि मतलब किया की गाड़ियों में आता है। तो पहले तो ये जो टॉप वेरियंट्स होते थे उनमें आता था, बट अभी जो अप्रैल में न्यू मॉडल्स आए हैं इसमें किया ने ये जो बेस मॉडल है उससे ही आपको टायर मोनिटरिंग प्रेशर का फीचर दे दिया है। जो कि मतलब बाकी जो ब्रांड आते हैं उनमें ये फीचर आता भी होगा तो जो बिल्कुल हाई टॉप मॉडल होते हैं उसी में आता है, ये लग्जरी फीचर्स में आती है चीज़। तो इससे ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे लगती है। जैसे ही कोई भी टायर में 30 से नीचे हवा जाती है तो मैं उसको साथ के साथ ही वापस 35 करवा लेता हूँ। इसके बाद आपके पास यूज़र सेटिंग्स आती हैं।
यूज़र सेटिंग्स में जैसे सपोज़ इसकी डोर की सेटिंग है, ठीक है, तो मैं इसमें डोर के अंदर जाऊंगा, डोर के अंदर आपके पास दिखाई दे रहा है ये ऑटो लॉक, ठीक है, ऑटो लॉक में हम गए, तो इसमें जैसे इसमें मैंने लगाया हुआ है एनेबल ऑन स्पीड, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग अभी लगी हुई है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जब भी गाड़ी 20 की स्पीड पे जाती है तो जो डोर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं, ठीक है, पता चल जाता है कि गाड़ी चलनी स्टार्ट हो गई है तो जो डोर रहते हैं वो लॉक हो जाते हैं, डिसेबल आप करोगे तो फिर वो फीचर आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप MID से आप अपनी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके बाद आता है ऑटो अनलॉक। ऑटो अनलॉक में है जैसे व्हीकल ऑफ है, ठीक है, जैसे क्या होता है कि हम गाड़ी चला के आए हैं और हम जैसे अभी हमने रुक के गाड़ी को बंद किया तो इसके जो डोर होंगे वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे, कि ऑब्वियस सी बात है अब आपने उतरना है, आपने जैसे गाड़ी बंद की है तो ऑटोमेटिकली जो आपके डोर्स हैं अनलॉक हो जाएंगे, आप उतर सकते हो। इसको भी आप डिसेबल कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ज़रूरत होती है तो ये चीज़ें ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद आता है आपको लाइट। लाइट्स में क्या है, वन टच टर्न इंडिकेटर, ठीक है, इसमें अगर हम इसके अंदर मैं देखूंगा, इसमें मेरे को ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं 3 flashes, 5 flashes और 7 flashes। इसमें क्या होता है जैसे आप इंडिकेटर देते हो, ठीक है, जैसे सपोज अगर मैं अभी इंडिकेटर दूंगा, इंडिकेटर की जगह कुछ और चल गया, ठीक है, तो जैसे वाइपर चल गया था अभी तो इसने वाइपर की नोटिफिकेशन दे दी। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें यह देखिए, तो मैंने 7 flashes किया हुआ है तो ये 7 flashes करके बंद हो रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें थ्री फ्लैशेज आता है, तो 3 flashes से क्या होता है कि वो 3 flashes करके बंद हो जाता है, तो वो क्या था बड़ी जल्दी इंडिकेटर बंद हो रहा था तो मैंने इसको कस्टमाइज़ करके मैंने इसको 7 flashes कर दिया। तो ये आप है कि आपने इंडिकेटर आपका जब आप देते हो तो कितनी बार जले, तो उस चीज़ को आप यहाँ पर कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हो, 3 flashes, 5 flashes या 7 flashes। तो इसमें हम वापस बैक करते हैं। इसके बाद है हेडलैम्प डिले। तो हेडलैम्प डिले क्या फीचर है इसमें, हेडलैम्प डिले में ये होता है कि आपने गाड़ी बंद की, ठीक है, आप रुक गए रात के टाइम पे, आप जैसे बाहर उतरते हो तो गाड़ी की जो हेडलाइट है वो थोड़ी देर तक जलती रहती है। उसमें ये होता है कि जैसे कई बार अंधेरा होता है तो आपको फ्रंट में मतलब कई बार जाना है या कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये एक थोड़ा सा उन्होंने फीचर दिया हुआ है कि आप हेडलाइट आपकी मतलब 5-10 सेकंड जलती है जिससे आपको पता लग जाता है कि हाँ सामने क्या है क्या नहीं, तो आप उतर के थोड़ा सा जा सकते हो, उसके बाद गाड़ी की लाइटें अपने आप बंद हो जाती है। तो इसमें ऑटो का भी फीचर है लाइट्स का, जो कि इसके यहाँ पर वाइपर पे आता भी दिखेगा नहीं अंधेरे में, तो ऑटो में ये रहता कि गाड़ी की लाइटें ऑटोमेटिकली जब रात होती है जल जाती है, दिन होता है अपने आप बंद हो जाती हैं, तो इसमें मतलब बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं जो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी अभी पीछे वाली विंडो खुली है इसकी वजह से इसने नोटिफिकेशन दिखा दी है, पिछली वाली विंडो खुल गई थी। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें नेक्स्ट फीचर्स। इसमें अगर हम जाते हैं कन्वीनियंस में इसमें हमारे पास ऑप्शन आ रही है वेलकम मिरर की। इसके बाद दोबारा विंडो खुल रही है पीछे से, तो एक्चुअली मेरी वाइफ आई हैं तो विंडो खोल रही हैं तो इसलिए वो विंडो की नोटिफिकेशन बार बार दिखा रहा है पीछे से, ठीक है। तो इसके बाद हम वेलकम मिरर में मैं आपको बताऊंगा कि वेलकम मिरर की क्या फंक्शनैलिटी है। वेलकम मिरर से क्या होता है कि इसमें दो ऑप्शंस हैं, ऑन डोर अनलॉक और आपकी ऑन ड्राइवर अप्रोच। तो ऑन डोर अनलॉक क्या है कि इसको चेकबॉक्स क्लिक है तो जैसे ही हमारा जो डोर है हम उसको अनलॉक करते हैं, जैसे की से हम अनलॉक करते हैं डोर को, तो ऑटोमेटिकली जो इसके जो साइड ORBM मिरर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं बाहर वाली साइड को, तो ये वो फंक्शनैलिटी है। और ये वाला जो है ऑन डोर अप्रोच, ये इसका फीचर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें ये है कि आप जैसे ही गाड़ी के पास आते हैं तो एक वेलकम फीचर है, जैसे आप गाड़ी के पास आते हैं तो आपके जो साइड मिरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपको वेलकम करते हैं, वेलकम इन द सेंस ऑफ वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, बाहर वाली साइड को खुल जाते हैं। ये मैं जब आपको की फंक्शनैलिटीज़ दिखाऊंगा उस टाइम आपको दिखाऊंगा कि ये जो वेलकम इसका ऑप्शन है वो कैसे काम करता है। जैसे आप पास आएंगे ना, जैसे आप गाड़ी को आप चलाने के लिए आप गाड़ी के पास आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो वेलकम करते हैं तो बाहर वाली साइड को खुल जाते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है यहाँ पर। इसके बाद मैं यहाँ से इसको बैक करता हूँ। और गाइज ये है वेलकम लाइट डिस्प्ले का फीचर। इसमें ये जो चेकबॉक्स है इसको अगर आप अनचेक कर दोगे तो लाइट्स की या फिर वाइपर की जो इंडिकेशन आती है इस स्क्रीन के ऊपर वहाँ ही बंद हो जाएगी। तो आप अगर चाहते हैं कि मेरे को ये नहीं देखनी है तो आप इसको बंद रख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से बैक जाते हैं, फिर जाएंगे हम सर्विस इंटरवल में। सर्विस इंटरवल में जैसे आपकी गाड़ी की सर्विस होनी है 5000 पे, 10000 पे, 20000 पे, तो वो इंटरवल आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं।
ताकि जब वो टाइम आता है तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर नोटिफिकेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी कि आपकी गाड़ी की सर्विस ड्यू है। इसमें हम फिर जाएंगे अदर फीचर्स में। अदर फीचर में जैसे ये फ्यूल इकोनॉमी रीसेट है, जैसे आप चाहते हैं कि आपका फ्यूल इकोनॉमी की जो आपके पास यहाँ पर आती है ना कि आपके कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई है, तो आप उसको वापस ज़ीरो से ला के आप दोबारा से चेक करना चाहते हैं, तो वो फीचर्स हैं आपके यहाँ पर, आप यहाँ पर इसको रीसेट कर सकते हैं ताकि ये ज़ीरो से फिर आपकी स्टार्ट हो जाए। और जो वो ग्लोबल रहता है कि आपकी गाड़ी कितनी चली है, वो तो रहेगा ही, वो हटेगा नहीं। इसके बाद ये टेम्परेचर यूनिट है। टेम्परेचर यूनिट में आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिखाना चाहते हैं या फॉरेनहाइट में दिखाना चाहते हैं, तो वो सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद टायर प्रेशर यूनिट का आपको, जैसे मैंने दिखाया था कि चारों टायरों में कितनी कितनी हवा है, तो उस चीज़ की जो सेटिंग है वो आप यहाँ पर यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से बैक करते हैं और ये रीसेट में आपका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहेंगी वो ऑटोमेटिकली इसमें फिर अनेबल हो जाएंगी, मतलब जो आपने कस्टमाइज कर दी वो हट जाएंगी, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आ जाएगी। तो ये इसमें सारा यूज़र सेटिंग्स थी जो मैंने आपको दिखाया। इसके बाद बाकी ये जो है ये टोटल गाड़ी जो कितनी जितनी चली है तो उसके हिसाब से ये टोटल एवरेज है। तो ये MID के सारे फीचर्स मैं आपको बता दिए हैं। और ये लेफ़्ट साइड में जो रहता है ये आपका रहता है इसका जो RPM कितना जा रहा है, कि आज जैसे आप रेस देते हो तो कितना RPM जाता है, ये आपका स्पीडोमीटर है, आप देख ही सकते हैं। तो गाइज़ मैंने आपको मूड लाइट्स दिखा दिया और मैंने आपको MID के फीचर्स सारे बता दिए। तो होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो नेक्स्ट फीचर्स मैं आपको इसमें क्रूज़ कंट्रोल के बताने वाला हूँ और जो की के जो फीचर्स हैं वो। तो बाय गाइस, गुड नाइट, रात का टाइम है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।